टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने सर्जरी के बाद खुद अपना हेल्थ अपडेट शेयर किया है। शमी ने अपनी रिकवरी की प्रोग्रेस बताई है। मोहम्मद शमी ने 3 फोटो शेयर किए हैं जिसमें उन्होंने अपनी एड़ी की भी फोटो शेयर की है। शमी ने एक्स पर लिखा है, मैं अपनी रिकवरी प्रोग्रेस के बारे में आपको अपडेट देना चाहता हूं। मेरी सर्जरी को 15 दिन हो गए हैं और हाल ही में मेरे टांके हटा दिए गए हैं। मैंने जो प्रोग्रेस हासिल की है उसके लिए आप सभी का आभारी हूं। मैं अपने इलाज के अगले चरण का इंतजार कर रहा हूं। आपको बता दें कि मोहम्मद शमी की दाहिनी एड़ी में दिक्कत हो रही थी, इस वजह से ही उनकी 26 फरवरी 2024 को सर्जरी की गई। फिलहाल मोहम्मद शमी बीसीसीआई की मेडिकल टीम की निगरानी में। मोहम्मद शमी आईपीएल 2024 से भी बाहर हो गए। पिछले आईपीएल में गुजरात टाइटंस के लिए खेलते हुए मोहम्मद शमी ने सबसे ज्यादा 28 विकेट झटकते हुए पर्पल कैप जीती थी। इस बार उनका आईपीएल से बाहर होना उनकी टीम गुजरात टाइटंस के लिए बड़ा झटका है। इस सर्जरी के बाद क्या मोहम्मद शमी T20 वर्ल्ड कप खेल पाएंगे, इस पर भी सवाल है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सर्जरी के बाद बहुत कम ही संभावना है कि वो बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज से पहले टीम में वापसी कर पाए। ये सीरीज अक्टूबर नवंबर में खेली जानी है, ऐसे में अब वो शायद सीधे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दिसंबर में होने वाली सीरीज में ही खेलते हुए देख सकते हैं। मोहम्मद शमी आखिरी बार नवंबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में भारत के लिए खेलते हुए नजर आए थे। शमी ने वर्ल्ड कप में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 7 मैचों में 24 विकेट अपने नाम किए थे। वर्ल्ड कप में भी मोहम्मद शमी को बॉलिंग करते हुए लैंडिंग में समस्या हो रही थी, लेकिन उन्होंने इसका असर अपने प्रदर्शन पर नहीं पड़ने दिया। शानदार प्रदर्शन के लिए हाल में ही मोहम्मद शमी को अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था।